Hello students, sequence and series continue. Now if a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n is equal to how much? k. Then this will be what? Arithmetic mean between a and b if एन इज इक्वल टू जीरो देखिए व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एन बी ए प्लस बी अपॉन टू करेक्ट है ना ए प्लस बी अपॉन टू थे को ये जीरो ले लिया तो ये कितना हो जाएगा इफ यू टेक एन एज जीरो एनीथिंग रेस्ट टू जीरो वन एनीथिंग रेस्ट टू जीरो वन वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू और ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन

प्लस बी याद रखिए ये जो पावर रहता है ये पवार को अरिथमेटिक मीन में जो भी पावर है वो क्या होना चाहिए जीरो ज्योमेट्रिक मीन के पवार कितना होना चाहिए माइनस हाफ और हार्मोनिक मीन के लिए पवार कितना होना चाहिए माइनस वन ये क्या है डिनोमिनेटर का पवार न्यूमरेटर का पवार डिनोमिनेटर के पवार से क्या है एक ज्यादा झेपराई का क्या बोल रहा हूं मैं देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर इफ ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू के ओके देन दिस विल बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन एंड बी इफ डिनोमिनेटर का पावर क्या होना चाहिए जीरो ट इज एन विल बी हाउ मच वन झीपा क्या क्या बोल रहा हूं मैं सी अरिथमेटिक मीन मीन्स डिनोमिनेटर का पावर शुड भी जीरो जोमेट्रिक मीन मीन्स डिनोमिनेटर का पावर शुड भी माइनस ऑफ हॉर्मोनिक मीन मीन्स डिनॉमिनेटर का पावर शुड भी माइनस वन अरिथमेटिक मीन जीरो जोमेट्रिक मीन माइनस ऑफ हॉर्मोनिक मीन माइनस वन किसका पावर डिनॉमिनेटर का पावर नौ जोमेट्रिक मीन क्या आएगा जोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ दैट इज एन इज इक्वल टू हाउ मच हाफ हॉर्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन मतलब एन कितना हो जाएगा आपका जीरो समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं डिनोमिनेटर का पवार शुड बी जीरो वेन इट इज अरिथमेटिक मीन माइनस हाफ वेन इट इज हॉर्मोनिक मीन एन माइनस वन वेन सॉरी माइनस हाफ वेन इट इज जोमेट्रिक मीन एंड माइनस वन वेन इट इज हॉर्मोनिक मीन समझा वेरी गुड नहीं समझा वेरी वेरी गुड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रॉब्लम लेता हूं इफ नाइन रेस टू एन प्लस वन प्लस सिक्स फोर रेस टू एन प्लस वन होल अपॉर नाइन रेस टू एन प्लस फोर रेस टू एन इज इक्वल टू सिक्स फाइंड एन याद रखिए ये क्या है आपका ए ये क्या है आपका बी फॉर अरिथमेटिक मीन आपको क्या मिलना चाहिए ए प्लस बी अपॉन टू आपका ए कितना है नाइन बी कितना है फोर नाइन प्लस फोर अपॉन टू विल बी थर्टीन अपॉन टू दिस इज नॉट इक्वल टू सिक्स ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या रहता है रूट ऑफ ए बी रूट ऑफ नाइन इंटू फोर नाइन फोर जा थर्टी सिक्स दिस इज इक्वल टू सिक्स दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब ये क्या है नाइन और फोर दिस आर वॉट ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के लिए नीचे का पावर कितना होना चाहिए माइनस हाफ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एन इज इक्वल टू माइनस हाफ क्या

ओरल प्रॉब्लम है बॉस एन कितना आएगा देखिए सिक्स प्लस फोर इज हाउ मच सिक्स प्लस फोर इज टेन टेन अपॉन टू कितना है फाइव तो ये क्या हो गया अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन के लिए एन कितना रहता है जीरो डिनोमिनेटर जो भी रहता है वो कितना रहता है जीरो वन लाइन आंसर फॉर एग्जाम्पल नहीं समझा है और एक करते हैं सिक्स रेस टू एन प्लस वन प्लस टेन रेस टू एन प्लस वन होल अपॉन दिस विल बिकम सिक्स रेस टू एन प्लस टेन रेस टू एन सपोज ये एट है तो हाउ मच इज टेन प्लस सिक्स टेन प्लस सिक्स इज सिक्सटीन सिक्सटीन ऑप टू कितना हो गया एट तो ये क्या हो गया आपका अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन के लिए एन का पावर कितना होना चाहिए जीरो और करते हैं नहीं समझा है तो फॉर एग्जाम्पल फोर रेस टू एन प्लस वन प्लस नाइन रेस टू एन प्लस वन अपॉन फोर रेस टू एन प्लस नाइन रेस टू एन दिस इज सेवेंटी टू अपॉन थर्टीन नाइन प्लस फोर कितना है नाइन प्लस फोर नाइन प्लस फोर इज थर्टीन थर्टीन अपॉन टू राइट हैंड साइड में नहीं है नाइन फोर जा थर्टी सिक्स रूट थर्टी सिक्स सिक्स नहीं है तो ये हार्मोनिक मीन ही होना चाहिए हार्मोनिक मीन में, में आपका एन का वैल्यू कितना रहता है माइनस वन तो आंसर आपका कितना आ जाएगा माइनस वन आप कैलकुलेट करके कर देख सकते हॉर्मोनिक मतलब टू इंटू ए इन बी होल अपॉन ए प्लस बी तो दिस विल बिकम हाउ मच 13 समझ रहा है क्या इट इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉब्लम इज सिक्स रेस टू एन प्लस फोर रेस टू एन होल अपॉन सिक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस फोर टू एन माइनस वन इज फाइव सिक्स प्लस फोर इज हाउ मच सिक्स प्लस फोर इज टेन टेन अपॉन टू इज फाइव सो एन कितना आना चाहिए जीरो लेकिन डिनोमिनेटर का पावर शुड बी जीरो प्लीज रिमेंबर डिनोमिनेटर का पावर मतलब एन माइनस वन शुड बी जीरो तो वैल्यू ऑफ एन कितना हो गया वन समझ रहा है क्या ओके एन इज हाउ मच वन ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉब्लम इज थ्री रेस टू एन प्लस फोर रेस टू एन होल अपॉन थ्री रेस टू एन माइनस वन प्लस फोर रेस टू एन माइनस वन दिस इज इक्वल टू हाउ मच टू रूट थ्री फाइंड एन अबे रूट में आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम्स इट शुड बी व्हाट ज्योमेट्रिक मीन नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री एंड फोर दिस इज हाउ मच रूट ऑफ थ्री इंटू फोर रूट ट्वेल्व टू रूट थ्री जॉमेट्रिक मीन में नीचे का पावर कितना रहता है माइनस वन दैट इज योर एन विल बी हाउ मच एन माइनस वन इज माइनस हाफ तो एन इज इक्वल टू हाउ मच हाफ समझा क्या अरिथमेटिक मीन डिनोमिनेटर का पावर शुड बी जीरो जोमेट्रिक मीन डिनोमिनेटर का पावर शुड बी हाउ मच माइनस हाफ हार्मोनिक मीन डिनोमिनेटर का पावर शुड बी हाउ मच माइनस वन द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर डिनॉमिनेटर मतलब ये वाला जो पावर है ये क्या होना चाहिए अरिथमेटिक मीन के लिए क्या होना चाहिए जीरो जोमेट्रिक मीन के लिए माइनस हाफ और हॉर्मोनिक <clears> मीन <throat> के लिए माइनस वन आई सपोज दिस इज क्लियर फॉर यू अभी क्या किया है मैंने वन लाइन आंसर है वो फटाफट 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 आपको आ जाएगा ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ एन इनफाइनाइट जी पी इज 15 फिफ्टीन एन समक्वे सम ऑफ द स्क्वेयर इज फोर्टी फाइव फाइंड आर आपको मालूम है सम टू इंफिनिटी मतलब आर शुड बी बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन इफ यू टेक अ सीक्वेंस ए ए आर ए आर स्क्वेयर और सम ऑफ द स्क्वेयर क्या आएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर रेस टू फोर डॉट 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 ये सीक्वेंस है फॉर दिस सीक्वेंस व्हाट इज टू इंफिनिटी ए अपॉन वन माइनस आर सम टू इंफिनिटी इज गिवन टू बी फिफ्टीन सो फिफ्टीन इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर ये एक इक्वेशन मिल गया आपको सेकेंड इक्वेशन वॉट विल बी समू इंफिनिटी फर्स्ट टर्म ए स्क्वेर अपॉन वन माइनस रेशियो इज आर स्क्वेयर फोर्टी फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन वन माइनस आर स्क्वेर हाउ मच इज ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको ए को इलिमिनेट करना है तो ए कितना है फ्रॉम दिस फिफ्टीन इंटू वन माइनस आर सो ये यहां पे हम लोग ने अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया सो फोर्टी फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वेयर विल बी हाउ मच फिफ्टीन स्क्वेर 1 वन माइनस आर द होल स्क्वेयर होल अपॉन वन माइनस आर स्क्वेर इज वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर करेक्ट तो एक फिफ्टीन कट हो जाएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा फिफ्टीन थ्री जोटी फाइव ये थ्री कट हो जाएगा यहां से फिफ्टीन से कितना आ जाएगा फाइव एक वन माइनस आर कैंसल

फाइंड द हॉर्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स वेन अरिथमेटिक मीन एंड जोमेट्रिक मीन आर सिक्सटीन एंड एट रिस्पेक्टिवली एकदम सिंपल प्रॉब्लम है योर जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच जी कितना दिया है एट So, 8 square, this is equal to 16 h. So, 1, 8 will cancel with this 2, this 2 will cancel with this 8. So, harmonic mean will be how much? 4. Please remember A is greater than or equal to G, G is greater than or equal to H. A is greater than or equal to G, G is greater than or equal to H. For example, find 1 into 3. प्लस 5 इनटू 7 प्लस 9 इनटू 11 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स नाउ प्लीज रिमेंबर कि दिस इज वन सीक्वेंस 1 5 9 दिस इज अदर सीक्वेंस 3 7 एंड 11 Now वन फाइव सेवन वन फाइव नाइन डॉट 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 ये एक सीक्वेंस है थ्री सेवन डॉट 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 ये सीक्वेंस है ऐसे में हमेशा आपको पहले आर्थ टर्म फाइंड करना है ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी यहाँ पे वॉट विल बी ऑर आर्थ टर्म ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स फोर डिफरेंस रे, तो दिस विल बिकम हाउ मच फोर आर माइनस थ्री

16 common you will get summation of r square where r is from 1 to n minus 4 summation of 4 nay minus 4 minus 12 will become how much minus 16 directly write. Summation of r n plus summation of 3 where r is from 1 to n सो वॉट इज समेशन ऑफ आर स्क्वेयर समेसन ऑफ आर स्क्वेयर इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल अपॉन सिक्स समेन ऑफ आर इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू समेसन ऑफ थ्री इज हाउ मच थ्री एन सॉल्व करो यू विल गेट द आंसर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या करना है फर्स्ट ऑलवेज फाइंड द आर्थ टर्म फर्स्ट फाइंड द आर द टर्म दॉट टी आर देन टेक इट्स बिकॉज एस एन इज वॉट समेन ऑफ टी आर वेर आर इज फ्रॉम वन टू एन ऐसे प्रॉब्लम को हमेशा ऐसा ही सॉल्व कीजिए इसको आगे कैलकुलेट करना है टेक द एल सी एम वगैरह वगैरह करके यू फाइंड द आंसर नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एंड टर्म दिस इज व्हाट सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ व्हाट ऑड नंबर्स एक तो आपको मालूम है अगर स्क्वायर नहीं रहेगा ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वेयर सो इन दिस केस वॉट विल बी योर आर्थ टर्म आर्थ टर्म विल बी टू आर माइनस वन द होल स्क्वेयर यह देखना यह आपका एंथ टर्म है सो आर्थ टर्म विल बी वॉट टू आर माइनस वन द होल स्क्वेयर हाउ टू फाइंड एस एन समेशन ऑफ टी आर वेर आर इज फ्रॉम वन टू एन दिस विल बिकम समेशन ऑफ टू आर माइनस वन द होल स्क्वेयर वेर आर इज फ्रॉम वन टू एन दिस विल बिकम समेशन ऑफ फोर आर स्क्वेयर माइनस फोर आर प्लस वन वेर आर इज फ्रॉम वन टू एन दिस विल बिकम समेशन ऑफ आर स्क्वेयर फोर कॉमन माइनस फोर कॉमन समेशन ऑफ आर प्लस समेशन ऑफ वन वेर आर इज फ्रॉम वन टू एन आगे कैलकुलेशन में नहीं कर रहा है आप लोग को करना चाहिए वॉट इज समेशन ऑफ आर स्क्वेर एन इं टू एन प्लस वन इं टू एन प्लस वन होल अपॉन सिक्स समेन ऑफ आर इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू समेन ऑफ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट इंटू एन टेक एल सी एम कॉमन यू विल गेट द आंसर टिंग टिंग टिंग. नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा फेवरेट है सिक्सटी स्क्वेर माइनस फिफ्टी नाइन स्क्वेर प्लस फिफ्टी एट स्क्वेयर माइनस फिफ्टी सिक्स स्क्वेर प्लस फिफ्टी फाइव स्क्वेर ये फिफ्टी सेवन 56 सिक्स स्क्वेर माइनस फिफ्टी फाइव स्क्वेयर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म इज टू स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर मेरा फेवरेट है ना व्हाट इज ए स्क्वायेयर माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायेयर माइनस बी स्क्वेयर इज वॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नौ सी दिस इज ऑलवेज वन कॉन्जिकटिव टर्म से तो ये तो वन आ गया तो वन हो गया कॉमन तो ये क्या बचेगा सिक्सटी प्लस फिफ्टी नाइन प्लस फिफ्टी एट प्लस फिफ्टी सेवन अप टू वॉट टू प्लस वन So, this is what? Sum of first 60 terms? 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus 60. What is sum of first n terms? What is the formula? Formula is what? n into n plus 1 upon 2. Using this, this will become how much? n is 60. 60 into 61 upon 2. Iska ho gaya happy birthday. So, this will become how much? 1830. क्या वेरी वेरी सिंबल प्रॉब्लम है सिंबल प्रॉब्लम ओके नाउ फॉर एग्जांपल सेम टाइप लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा है उन्होंने इफ एन इज इवन, इफ एन इज व्हाट इवन, देन द सम ऑफ

ब्रैकेट्स डालते वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर माइनस सिक्स स्क्वेयर डॉट 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 ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन द होल स्क्वायर एन इज वॉट इवन इवन है मतलब सब आपको ऐसा जोड़ी मिल जाएगा

सो दिस ऑल इज वॉट माइनस वन तो मैं माइनस वन को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यह कितना मिलेगा मुझे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 यह कितना है एन माइनस वन और लास्ट टर्म कितना है एन वॉट इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन इट इज हाउ मच एन इंटू एन प्लस वन अपॉन समझा क्या थोड़ा थोड़ा नाउ सेम प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ एन इज इवन अगर उन्होंने दिया है इफ एन इज ऑड ओके इंस्टेड ऑफ एन इज इवन अगर उन्होंने दिया है सेम प्रॉब्लम एन इज वॉट ऑड सो वॉट यू विल गेट वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वे माइनस फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वेर ध्यान दीजिए ये लास्ट को जो एंथ टर्म है वो अकेला बचने वाला है बिकॉज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर ऑट टर्म्स दिस मीन दिस विल बी वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर प्लस डॉट 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 वो लिखता नहीं हूं लास्ट टर्म तो है एन स्क्वायर इसके पहले का टर्म क्या आएगा एन माइनस वन स्क्वायेयर और उसके पहले का टर्म क्या आएगा एन माइनस टू स्क्वेयर समझा क्या सी

5 plus 4, करेक्ट 3 minus 4 और ये कितना आ जाएगा 5 minus 6 है ना ये 4 कहां से लिख रहा है तू भाई 5 minus 6 into 5 plus 6 और लास्ट में इधर क्या आने वाला है डॉट 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 इट विल बिकम n माइनस टू माइनस एन माइनस वन Into n minus 2 plus n minus 1, and last term will be what? n square. Now you see this is minus 1, this is minus 1, this is minus 1, this is also minus 1, so we will take minus 1 common. What will remain inside? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 n minus 2 plus n minus 1 plus n square.

into n minus 1 plus 1 upon 2 plus n square. Is com calculate so this will become how much minus of n into n minus 1 upon 2 plus n square. So this can be written as if you take n common this will become minus n plus 1 upon 2 plus n एल सी एम लिया दिस विल बिकम एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू टिंग टिंग टिटिंग वेन एन इज और आंसर कितना है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एंड वेन एन इज ई योर आंसर इज हाउ मच माइनस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू टिंग टिंग टिटिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन फर्स्ट टर्म वन सेकेंड टर्म टू थर्ड टर्म थ्री आर्थ टर्म विल बी आर फर्स्ट टर्म वन सेकेंड टर्म टू थर्ड टर्म थ्री आर्थ टर्म विल बी आर टू थ्री फोर सो वॉट विल बी द आर्थ टर्म आर प्लस वन तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं समेशन ऑफ आर वेर आर इज फ्रॉम वन टू एन होल अपॉन समेशन ऑफ r into r plus 1 where r is from 1 to n this is 0 0.03 how much is summation of r n into n plus 1 upon 2 this will become summation of r square plus summation of r what is summation of r square summation of r square is how much summation of r square

एल सी एम ले गए तो थ्री ऊपर चला जाएगा थ्री अपॉन दिस विल बिकम टू एन प्लस फोर दिस इज इक्वल टू पॉइंट जीरो थ्री इसका हो गया हैप्पी बर्थडे रेसिप्रोकल लिया तो टू एन प्लस फोर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन पॉइंट जीरो वन मनजे शंबर तो टू एन कितना हो गया नाइन्टी सिक्स तो एन कितना हो गया फोर्टी एट टिंग टिंग टिटिंग Next problem Sum to infinity of one plus two into one minus one upon N plus three into one minus one upon N the whole square plus dot 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 is. Now you can see here this is 1, 2, 3, this is what an AP and 1, 1 minus 1 upon n, 1 minus 1 upon n the whole square, this is what GP. So this is which sequence arithmetico geometric sequence or progression. What is the formula for sum to infinity? A upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r the

प्लस वन अपॉन एन द होल इसका हो गया happy birthday, ये कितना मिल जाएगा आपको एन प्लस कितना आएगा आपका one minus one upon N, और आपका नीचे कितना हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर करेक्ट ना ना वन अपॉन एन स्क्वायर ऊपर गया तो दिस विल बिकम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एन

इन प्लस नहीं है ये इनटू है टू रेस टू फोर अपॉन थर्टी टू इंटू डॉट 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 दिस कैन बी रिटर्न टू रेस टू वन बाय फोर प्लस वन टू बाय बाय एट प्लस प्लस थ्री सिक्सटीन फोर बाय थर्टी टू डॉट 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 इसको आप लिख सकते हैं टू रेस टू वन अपॉन फोर कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा वन प्लस टू अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन फोर प्लस फोर अपॉन कितना हो जाएगा फोर कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा एट प्लस डॉट 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 सो दिस विल बिकम हाउ मच टू रेस टू वन अपॉन फोर इंटू वन प्लस टू इंटू वन अपॉन टू प्लस थ्री इंटू वन अपॉइन टू स्क्वेर प्लस फोर इंटू वन अपॉइन टू क्यू प्लस डॉट 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 this sequence is what ap and this sequence is what gp so for agp what is the formula formula is abiyabu abhi tha a upon 1 minus r plus d into r upon 1 minus r the whole square सो दिस विल बिकम हाउ मच टू रेस टू वन बाई फोर इन टू वन माइनस हाफ इज हाफन अपॉन हाफ बिकम टू प्लस हाफ वन हाफ गेट कैंसिल दिस विल बिकम टू प्लस टू फोर टू रेस टू वन अपॉन फोर इंटू फोर दैट इज इक्वल टू टू टिंग टिंग टिटिंग चलो लास्ट प्रॉब्लम करते हैं आज के सेशन का अगेन वी विल डू ऑफ समू इंफिनिटी फाइंड डी थ्री प्लस वन अपॉइन फोर इंटू थ्री प्लस डी प्लस वन अपॉइन फोर स्क्वायर इंटू थ्री प्लस टू डी प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी दिस इज गिवन टू बी हाउ मच एट तो क्या करिए ए है आपका कितना ए है आपका थ्री करेक्ट आर ए आपका वन ओपन फोर कॉमन डिफरेंस है आपका d दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस इज d दिस माइनस दिस इज आल्सो d सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम टू इन्फिनिटी a अपॉन वन माइनस r प्लस d r अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एट थ्री अपॉन फोर माइनस वन विल बिकम थ्री थ्री अपॉन फोर प्लस डी अपॉन फोर वन माइनस वन अपॉन फोर विल बी थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर विल बी नाइन अपॉन सिक्सटीन थ्री थ्री कैंसल ये हो जाएगा फोर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा फोर दिस विल बिकम फोर डी अपॉन नाइन दिस इज इक्वल टू एट फिर क्या मिलेगा फोर डी अपॉन नाइन दिस इज इक्वल टू हाउ मच फोर फोर का हो गया हैप्पी बर्थडे सो डी इज इक्वल टू नाइन टिंग टिंग टि टिंग चलिए नेक्स्ट सेशन में और प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन सिक्वेंस एंड सीरीज थैंक यू वेरी मच बाय बाय